हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल। तो आज हम देखने वाले प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। कोई स्टैटिक फ्लूइड है, उसके कारण एच हाइट नीचे आने पर कितना प्रेशर बढ़ता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फ्लूइड है वेसल में, उसमें हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया जिसकी हाइट एच है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वो हमने कंसिडर किया। अब एट दिस पॉइंट अगर हम लोग प्रेशर देखने जाए, यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर देखें सिलेंडर के बॉटम पर, इस पॉइंट पर, एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर, प्रेशर एट बॉटम ऑफ सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, लेट से पी बोल दो, ठीक, वो रहेगा पी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। तो जरा देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसिडर किया उसको हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। तो मान लो उसमें इतना फ्लूइड भरा है, कितना फ्लूइड भरा है भाई उसमें, उसमें भरा है एम मास का फ्लूइड, कितना फ्लूइड भरा है, एम मास का फ्लूइड भरा है, ओके। अब ये एम मास वाला फ्लूइड, इस पर एक फ्री वाला फोर्स हमेशा जो लगता है अर्थ पे रहने के कारण, दैट इज वी ऑल नो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, यस और नो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी यहाँ पे लगेगा इमेजिनरी सिलेंडर पर, ठीक। सो ये हो गया एम जी फोर्स। अच्छा, मतलब एट दिस पॉइंट बॉटम सिलेंडर के बॉटम पर ये पूरा का पूरा इतना जो मास है फ्लूइड का वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा और इतना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स हो गया आगे जाके, फोर्स आ गया एम जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। ये लेना है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बेसिक फॉर्मूला, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास हो गया ये झिंटू वाला वॉल्यूम, झिंटू मतलब डिवीजन, डिवीजन वाला वॉल्यूम इधर आके इंटू हो गया। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब कोई भी चीज का जो वॉल्यूम बनता है बच्चों, देखो वो होता है एरिया इंटू हाइट। अरे वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ओके। अब लेंथ इंटू ब्रेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया, एंड हाइट एज इट इज, सो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट। सो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह रख दिया हमने एरिया इंटू हाइट, देयरफॉर वी कैन से दैट मास इज इक्वल्स टू रो ए एच, मास की जगह क्या लिख सकते हैं, रो ए एच। सो इसी मास की जगह हमने पुट किया, रो ए एच, और ये जी एज इट इज, जसला तसा अपॉन एरिया एज इट इज, क्या कैंसिल हुआ, एरिया से एरिया कैंसिल, हमें मिला रो जी एच। मैंने जी को पहले लिखा, एच को बाद में लिखा, अरे भाई तीनों मल्टीप्लीकेशन में, बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है इसका मतलब वो सभी मल्टीप्लीकेशन में। सो हमारा प्रेशर फाइनली मिला रो जी एच, कहाँ, एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर। उस सिलेंडर की हाइट कितनी है, एच, और उस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो बोलो एच हाइट वाला सिलेंडर, ए क्रॉस सेक्शन वाला सिलेंडर, सिलेंडर के बॉटम पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, रो जी एच, कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, रो जी एच। तो वी कैन से दैट एच हाइट नीचे आने पर प्रेशर कितना ज्यादा होता है, रो जी एच। सो सिंपल से समझ में आ गया। सो दिस वॉज द स्टैटिक फ्लूइड, जो कि रुका हुआ है, ठीक है। सो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कट किया जिसका फोर्स बोला हमने एम जी, ग्रेविटेशन फोर्स एम जी, सो फोर्स की जगह एम जी बाय ए, मास की जगह रो ए एच बाय द बेसिक फॉर्मूला, एरिया एरिया कैंसिल, फाइनली प्रेशर वी गॉट रो जी एच। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, इसी में एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे है एयर, ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे, एयर, ये पेन बहुत जाड़ा हो रहा है, ठीक है, बारीक पेन पाई जो बारीक, और यहाँ पे है फ्लूइड या फिर लिक्विड जो भी है, फ्लूइड मतलब अब देखो यहाँ पे एयर है तो एयर अपना एटमोसफेयर प्रेशर पी नॉट लगाएगा ना, यस। तो अगर हम एक और एक वेसल कंसिडर करते हैं और जिस पे हम लोग बाउंड्री यहाँ पे लेते हैं और सिलेंडर अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
अगर उसी लेवल से हमारा सिलेंडर स्टार्ट होता है एच, तो बोलो इस सिलेंडर के टॉप पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एंड वो होगा पी नॉट. पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, प्रेशर हवे का प्रेशर, ठीक है, अपॉन. अच्छा, ये लिक्विड कॉलम, ये सिलेंडर कितना प्रेशर दे रहा है? रो जी एच, अभी देखा ना. सो इस सिलेंडर ये कितना प्रेशर देगा? रो जी एच. अच्छा, तो नीचे आते आते, सरफेस लेवल से नीचे आते आते प्रेशर कितना हो गया? पहले का पी नॉट प्लस सिलेंडर का रो जी एच. सो बॉटम पर अब हमारा प्रेशर हुआ पी नॉट प्लस रो जी एच. ओके, सो सीधे सीधे प्रेशर को ऐड करते हैं बच्चों. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट हमारे सिलेबस में हम लोग 12th क्लास के लिए टेंसर ही, उसको स्केलर ही ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी एच. हाँ, और एक एक बात क्या, अरे जो प्रेशर आया उसमें एरिया कहीं भी नहीं है, एरिया तो कैंसिल आउट हो गया ना. इसका मतलब क्या कि जो भी आपका वेसल है या फिर जो भी आपका कंटेनर है उसके शेप से आपके प्रेशर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वेसल, क्योंकि उसमें एरिया नहीं आया है. हाँ, मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मास से ही कहानी शुरू हुई है. ठीक है, सो आपका प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी एंड हाइट. जितना एच बढ़ाएंगे देखो उतना प्रेशर बढ़ेगा. अरे हाइट और प्रेशर दोनों साइड में न्यूमरेटर में है. सो जितनी हाइट ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, और जितनी हाइट कम उतना प्रेशर कम. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई कुछ कम ज्यादा हो गया है तो बोल देना कमेंट्स में, वैसे तो आप बोलते हो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.